पढ़े थे। चलिए ये इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन साइन एक्स माइनस एक्स। सब लोग आज पेपर और पेन निकाल लीजिए, अच्छे से आज क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेक्चरर मैकेनिकल में पूछा गया क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस वन साइन एक्स माइनस एक्स, और जिसका आंसर आ जाए वो माइक अनम्यूट करके अपना आंसर बताइए। ये कौन से फॉर्म में है? जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो है तो उसको किस फॉर्म में चेंज वैसे सॉल्व करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल्स, एल हॉस्पिटल लगाइए। जब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे हम लोग तो ऊपर वाला टर्म कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो, और नीचे साइन एक्स जीरो हो जाएगा, और एक्स जीरो है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म में नीचे है, ठीक है, जीरो बाय जीरो। अब इसको एल हॉस्पिटल से चेंज सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्या करेंगे हम लोग? जीरो होगा सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जीरो, और कोई है? यस सर, आपको आंसर बताइए। अनडिफाइंड, अरे अनडिफाइंड तो अभी है ना, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सर वन आ रहा है, वन आ रहा है, और इन्फिनिटी आएगा सर, वन बाई जीरो, एक ये भी आया, एक ये भी आया, ये भी आया, और ये भी आया, किसी का वन भी आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनफिनिटी आएगा तो हमने बताया था कि ऊपर को वाले को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग से डिफरेंट, यहाँ यू बाई वी रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस एक्स माइनस वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, वन का जीरो, तो जीरो हो गया, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस वन। अब यहां भी देखिए, यहां भी अगर जीरो पुट करें कॉस एक्स ऊपर एक्स की जगह, तो ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ पे अभी तक जीरो बाय जीरो के फॉर्म में, ये भी अभी तक भी जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है, तो फिर से इसको वही काम करेंगे इसके साथ, एक्स टेंस टू जीरो, और फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो माइनस पहले से है तो कॉस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और वन का जीरो, तो ये माइनस से माइनस पहले से कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स के वैल्यू वन पे, जीरो पे कॉस क्या होगा, वन, ये होगा वन, और साइन कितना होगा, जीरो, तो ये वन बाई जीरो है, वन बाई जीरो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये एक डिटर्मिनेट फॉर्म है, और किसी भी चीज में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, बट इसका जो वैल्यू है, क्योंकि हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कोई फाइनाइट भी वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, और इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है इसीलिए माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे? तो वन बाई जीरो है, वन बाई जीरो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसका वैल्यू जो होगा टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और कोई भी चीज जो होता है इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है जो कि लार्जेस्ट, कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, बहुत बड़े नंबर को वो रिप्रेजेंट करता है, अब कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो नंबर आ जाए तो हम उसको फाइनाइट नंबर बोल देंगे, यानी कि ऐसा नंबर जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा है, वो इन्फिनिटी हो गया, प्लस इन्फिनिटी, और इतना छोटा नंबर जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि कितना छोटा है, तो उसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है, तो ये बात है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को?
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग।